नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता टीवी की खास पेशकश होलिका दहन में। और आप सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। होलिका दहन का ये त्यौहार बहुत ही खास होता है। होली से रंगों की त्यौहार, होली से एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक इसे कहा जाता है। तो होलिका दहन में आज हम आपको इस खास कार्यक्रम के जरिए बताएंगे कि किन बातों का विशेष ध्यान पूजा के समय रखना चाहिए, क्या महत्व है इस दिन का, मुहूर्त क्या है और होलिका दहन ये इतना बड़ा ये त्योहार भी होता है, लेकिन इसके पीछे की मान्यताओं को समझेंगे, महत्व को समझेंगे और साथ ही किस तरीके से आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति हो और भगवान विष्णु का आपके घर में किस तरीके से वास हो, ये भी आज हम इस खास कार्यक्रम के जरिए समझेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य अमित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए तो दर्शकों, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए कि होलिका दहन में आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है और कैसे आपको होलिका दहन का ये त्योहार मनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रंगों का ये त्योहार होली पूरे देश में अलग रंगों में मनाया जाता है। कहीं मथुरा में फूलों की होली, लड्डूमार होली और अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं जो हैं वो होती हैं। लेकिन उससे एक दिन पहले होलिका दहन का जो ये एक पर्व होता है वो अपने आप में बेहद खास होता है। यूं तो इसे कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक होता है, लेकिन इसको लेकर कई मान्यताएं भी हैं, कई कहानियां भी हैं और इस दिन आपको विशेष बातों का भी ध्यान रखना है, उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले पेशक रिपोर्ट। हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत त्योहार हैं जो विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है होली का त्योहार। फाल्गुन माह लगते ही होली का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। रंगों के त्योहार होली का उत्साह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में देखने को मिलता है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रादोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था तो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खास लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी या बटकुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और चार मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौनों से बनाई जाती है, उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बताशे, नारियल एवं पंचफल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीजों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से अर्घ प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंच फल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो होलिका दहन के महत्व को, मान्यताओं को हम समझेंगे, अमित जी से जानेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है। और हमारे दर्शक जो अभी हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं
उनके मन में भी कई सवाल होंगे कि होलिका दहन में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुहूर्त देखिए, कोई भी आप पूजा करते हैं तो मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो होलिका दहन में किस तरीके से जो मुहूर्त का खास ख्याल रखें। भद्रा का साया होलिका दहन में कैसा रहने वाला है, क्योंकि भद्रा अशुभ माना जाता है तो उसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता है, तो ये भी हम समझेंगे। अमित जी, सबसे पहले आज के दिन का जो महत्व है वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, होली बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये खास बात, इसमें खास क्या है, खास ये है कि इस दिन प्रहलाद जो परमात्मा का भक्त, प्रभु का भक्त, उसको मारने के लिए होलिका जिनको वरदान मिला था कि आग से नहीं जलेंगी, वो उनको अपनी गोद में लेकर के बैठ जाती हैं अग्नि में, जिससे प्रहलाद तो जल जाएंगे, होलिका नहीं जलेंगी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि होलिका ही जल गई और प्रहलाद बच गए, उल्टा ही हुआ जी। अब ये देखिए कि सूर्य भगवान देवता है, अग्नि भगवान देवता है, चंद्र भगवान देवता है, सभी देवता हैं, उसके हिसाब से ही जो चलते हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं तो उस हिसाब से चलते हैं कि मर्यादा के हिसाब से चलते हैं। ये नहीं कि अगर कोई भी चीज़ अमर्यादित है तो वो करेंगे। अब चूंकि होलिका गलत कर रही थी, अमर्यादित कार्य कर रही थी, तो अग्निदेव ने क्या किया, उन्होंने उसको बचा लिया, मतलब प्रहलाद देवता को बचा लिया और होलिका जल गई। प्रहलाद बहुत ही पुण्य आत्मा, बहुत ही पवित्र आत्मा, प्रभु के भक्त हैं, तो उनको बचा लिया। और आज की डेट पे क्या है, प्रहलाद को देवता की तरह से पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है, क्यों उस योग्य थे जी। हम आप नहीं समझ पाते हैं कि इसके अंदर क्या योग्यता है, क्या पवित्रता है, क्या गुण है, लेकिन देवताओं को पता होता है, उसी हिसाब से आपको फल देते हैं। तो प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। अब होलिका जल गई और समाप्त हो गई पूरी तरह से, उसके बाद प्रहलाद ही बचे जी। तो ये होलिका मनाने का ये होता है कि अग्निदेव ने जिस तरह से प्रहलाद की रक्षा किया और होलिका को जला दिया वर मिलने के बाद भी, तो इसीलिए अग्निदेव को सम्मान किया जाता है और अग्निदेव की पवित्रता को सम्मानित किया जाता है जी। लोग समझते हैं चिता के, चिता वाली बात होती है, शुरुआत में होती है कि होलिका जल रही है, ऐसा होता है, लेकिन जब होलिका जल चुकी होती है उसके बाद वो अग्नि भी पवित्र है, क्योंकि उन्होंने ही चलाया, अग्नि की पवित्रता तो होती है और साथ में प्रहलाद भी पवित्र हैं, तो इसलिए उसका पवित्र वाला भाग बचता है। तो मतलब शुरुआत में चिता जैसा होता है लेकिन बाद में वो सब कुछ पवित्र हो जाता है और अग्निदेव सब कुछ पवित्र कर देते हैं। सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि चिता है, चिता की राख, ऐसी वाली बात है, जो भी उपाय बताएंगे तो वो बोलेंगे चिता की राख कैसे ला सकते हैं घर में। लेकिन आपको एक बात बताएं, अग्निदेव भस्म तो करते हैं लेकिन सब कुछ भस्म नहीं करते हैं, वो जो चीज पवित्र है उसको भस्म नहीं करेंगे। उसका एग्जाम्पल, आप सोना डाल दीजिए अग्नि में तो सोना के अंदर जितनी गंदगी है वो तो भस्म हो जाएगी, लेकिन सोना निखर करके और बढ़िया सुंदर बन जाता है, इसलिए सोने को निखारने के लिए आग में तपाया जाता है। तो सोने के अंदर निखार आते हैं क्योंकि सोने की क्वालिटी जो है वो आ जाएगी और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से उसके अंदर जो भी चीज डाली जाए, अब होलिका उसमें अगर है, जल रही है, तो होलिका समाप्त होंगी और प्रहलाद सोने जैसे पवित्र है तो बचेंगे, तो इसलिए उसमें जो बचता है फाइनली वो पवित्रता ही बचती है और शुभता ही बचती है, इसीलिए उसका बड़ा ही महत्व है। आप पवित्र होते हैं, अब जब अग्निता जलाई जाती है तो उसके बाद पवित्रता हो जाती है, तो पवित्र होने के बाद उसकी राख को आप घर लेकर के आते हैं, उसके बाद उसको स्नान करते हैं, हर व्यक्ति स्नान करता है, तरीका ये है कि वहां से राख लेकर के घर आए और हर व्यक्ति उसको बाल्टी में डाल करके स्नान करे। स्नान करने के बाद आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी होती है आपके आत्मा में, आपके शरीर में, वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और आप काफी पवित्र हो जाते हैं, नेगेटिविटी मुक्त। तो अब सेलिब्रेट करने का बनता है तो अगले दिन होली मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, शुभ मुहूर्त भी हमें बता दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है किसी भी, अगर हम पूजा को शुभ मुहूर्त में करें तो ज्यादा फलदायी होती है, और भद्रा का साया बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना भी, जो भी हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए क्या है, भद्रा जो है ना बहुत जबरदस्त नेगेटिविटी होती है और भद्रा नाश कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो सभी देवी देवताओं के अपने गुण होते हैं, तो इनका है कि नेगेटिविटी करने का, जैसे राहु भगवान है, राहु भगवान का भी होता है किसी चीज को तोड़ देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं, मतलब एक तरीके से होने नहीं देते उसको, काम को बिगाड़ देते हैं, तो इसी तरह से भद्रा का भी है। भद्रा के समय में कोई भी कार्य सफल नहीं होता और नुकसान होता, नेगेटिविटी होती है, मतलब बर्बादी होनी है। तो भद्रा के समय कोई भी कार्य करें, अब इतना इंपॉर्टेंट काम है, अगर ठीक है होलिका जलेंगी भद्रा में जला लीजिए, लेकिन उसके बाद जो शुभता हुई वो शुभता तो नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि शुभता गड़बड़ हो जाएगी। आप जब अग्निदेव सब पवित्र कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, और ठीक है अगर वो उस बीच में अग्निदेव का प्रभाव नहीं आ पाएगा, मतलब उसमें नेगेटिव प्रभाव नहीं आ पाएगा, लेकिन आप जब घर लेके आ रहे हो, प्रक्रिया हो रही है, जो आप पूजा पाठ करेंगे, आवाहन करेंगे, तो नेगेटिव टाइम में क्यों करना है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि भद्रा अवॉइड कर लें।
भद्रा में मान लीजिए कई बार क्या होता है, भद्रा अवॉइड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो भद्रा का पुछ वाला टाइम होता है तो वो वाला उसमें चल सकता है, लेकिन मुख वाला टाइम होता है वो तो बहुत पावरफुल होता है, उसमें भद्रा की पावर बहुत ज्यादा होती है जो मुख का समय होता है, और पुछ का समय होता है उसमें कम होती है। तो यदि भद्रा बिल्कुल ना हो तब तो सबसे अच्छा है, यदि किसी वजह से संभव ही नहीं है कि भद्रा को अवॉइड किया जा सका हो तो उसमें पुछ वाला टाइम देकर के उसमें जला लेना चाहिए, अग्नि की प्रज्वलित करनी चाहिए और ये कार्यक्रम करना चाहिए। इस समय पर क्या हो रहा है कि इस साल जो भी होली का जो समय निकल रहा है, मुहूर्त आ रहा है, वो भद्रा का समय सुबह 9:55 से शुरू हो जाएगा भद्रा का समय, और रात्रि को 11:12 तक भद्रा का समय है जी। इतने समय तक रात्रि जी, तो इतने समय तक अगर आप होलिका दहन करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद से मुहूर्त स्टार्ट होता है और मुहूर्त चलता है रात में 12:27 तक, मतलब 11:13 से लेकर के 12:27 के बीच का समय, ये बहुत अच्छा समय है होलिका जलाने का, उसमें कोई भद्रा का कोई टेंशन ही नहीं है, भद्रा का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि भद्रा का समय निकल चुका है। अब क्या होता है, कई बार होता है कि नहीं इस समय पर नहीं संभव है, बहुत सारे सुनसान जगह पे, बहुत रिमोट एरिया में कोई लोग रहते हैं, तो भी होता है कि इस टाइम पे सेफ नहीं है, रात बहुत ज्यादा रात हो जाती है, आप शहर में तो आपको पता नहीं चल पाता, लेकिन गाँव में बहुत सुनसान जगह पे बहुत रिस्की सा लगता है, तो वैसे में होता है कि शाम को ही कर लें। तो ऐसे में क्या, अगर करना है मजबूरी है तो ऐसे में भद्रा का पूछ वाला भाग पकड़ लेते हैं हम लोग, तो वो बनता है रात शाम को 6:33 से लेकर के 7:53 तक, मतलब 1:20 का समय है, तो इस तरह से इस बीच में भी किया जा सकता है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मजबूरी में करना चाहिए, ऐसे समय में रात्रि का समय ही बहुत ही अच्छा है, और उसके बाद अगले दिन तो फिर आपको होली मनाना। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने शुभ मुहूर्त भी यहाँ पर जान लिया कि किस शुभ मुहूर्त में आपको होलिका दहन करनी है, लेकिन इसकी जो मान्यता है यहाँ पर वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भगवान विष्णु के भक्त थे प्रहलाद, भगवान प्रहलाद, और किस तरीके से पूजा अर्चना आज के दिन हम करें भगवान विष्णु की, ताकि वो प्रसन्न हो और धन धान्य जो है घर में वो बना रहे, रुके हुए काम जो है वो यहाँ पर बन जाए। देखिए इसमें सबसे पहली बात तो यह कि तरीका बता देते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग होलिका के समय में सब घर से गंदे गंदे फर्नीचर जो बिल्कुल वेस्ट होते हैं, फंगस वाले सड़े हुए, वो सब ला के जलाते, सोचते बस यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके फिनिश कर देंगे, सफाई हो जाएगी, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका महत्व फिर खत्म हो जाता है। अगर आपको जलाना ही करना है तो कोई और समय ले लीजिए, घर के गंदे फर्नीचर नहीं लाते हैं। इसमें होता है कि तरीका ये होता है कि घर से अच्छी लकड़ियाँ, हर व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ी थोड़ी लकड़ी लेके आता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद उसको प्रज्वलित किया जाता है। अब क्या होता है कि आप ये काम कहाँ करते हैं, ऐसी जगह पे करते हैं कि हर व्यक्ति के घर में होलिका नहीं जल रही है, हर व्यक्ति मिल करके समाज के एक जगह पर, जहाँ पर जैसे चौराहा हुआ या किसी मैदान में, ऐसी जगह पर होली जलाई जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ऐसी जगह पर कर रहे हैं जो सड़क पर है, जो बाहर है, तो ऐसी जगह पर शुद्धता तो होती नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले उस जगह को पवित्र साफ सुथरा कर लेना चाहिए, और पवित्रता का मंत्र पढ़ के ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्ष स वाय भंतरः सूचि, ऐसे मंत्र बोल के अपने ऊपर भी छिड़के, और फिर आसपास सब कुछ जो पवित्र हो जाए उसके लिए पवित्रता का कर लेते हैं मंत्र करके, और पवित्र होने के बाद उसके बाद लकड़ी सजाते हैं, और लकड़ी पे भी मंत्र कर चढ़ करके पवित्र करते हुए, सबको पवित्र करते हुए, उसके बाद आपको सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी है जी। गणपति जी की पूजा क्यों करनी, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले गणपति जी का आह्वान करना चाहिए। गणपति पूजा करने के बाद आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा क्यों करें, हनुमान जी आपकी रक्षा करने में सक्षम है, बहुत पावरफुल होते हैं, हनुमान जी की रक्षा अवश्य, हनुमान जी की प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, ताकि आपकी रक्षा हो सके, उस स्थान की रक्षा हो सके, भूत प्रेत नेगेटिविटी का प्रभाव ना आए। उसके बाद आप नरसिंह भगवान की पूजा कर सकते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करें, नरसिंह भगवान ऐसे हैं जो रक्षा भी किए थे, तो इसलिए क्या है कि नरसिंह भगवान किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसे में नहीं कर पाएंगे, वैसे में नहीं कर पाएंगे, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपकी रक्षा कर सकते हैं, तो इसलिए नरसिंह भगवान से आह्वान जरूर करना चाहिए। उसके बाद अभी सभी जितने देवी देवता उन सबका आह्वान कर सकते हैं। देखिए विष्णु भगवान के भक्त थे प्रहलाद, लेकिन विष्णु भगवान ने उनको बचाने के लिए कैसे कैसे रूप धरे, नरसिंह भगवान का रूप भी तो धरा था ना, तो नरसिंह भगवान का रूप विष्णु भगवान नहीं धरा था, तो इसलिए नरसिंह भगवान रूप से रक्षा मांगिए, उसके बाद विष्णु भगवान के कोमल भाव को उसको भी आह्वान कीजिए, कृष्ण भगवान का भी आह्वान कर सकते हैं, राधा जी से भी प्रार्थना कर सकते, मतलब जिनसे भी आपका प्रेम हो सबका आह्वान कर सकते हैं, सबको कह सकते हैं कि आप भी हमें आशीर्वाद से सिंचित कीजिए, जो कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, और उसके बाद फिर उनको भोग दे करके इसको किया जाता है। तो ये तरीका ये है कि सबसे पहले इनको प्रार्थना करें, उसके बाद तरीका ये है कि आपको सबसे पहले एक नारियल, सूखा नारियल लेना चाहिए, 5 कम से कम अनाज लेना चाहिए, साथ में और भी सामग्री, पूजन की सामग्री वगैरह ले लें, उपले की माला बनाएं, और इस तरह से सबको इकट्ठा करके सूत से बांधें, बांधने के बाद
आप इसको अग्निदेव को भेंट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि अग्निदेव का ही तो, अग्निदेव की कृपा, अग्निदेव नहीं करते ऐसा तब तो प्रहलाद जल जाते, अग्निदेव तो काम ही सब कुछ चलाना है, कुछ भी डालेंगे तो भस्म हो जाता है, ऐसा थोड़ी कुछ बच जाता है। तो प्रहलाद को बचाना, एक तो प्रहलाद की पवित्रता, प्रहलाद देवता की पवित्रता, और दूसरा अग्निदेव की कृपा, दोनों को सम्मान करते हुए। और प्रहलाद किस तरह से बचे, उनकी कृपा विष्णु भगवान की, तो इसलिए क्या है कि विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद देव की रक्षा हुई, तो विष्णु भगवान का भी मान है, तो इस तरह से करके इन सब का सम्मिलित रूप हो जाता है। इसलिए अग्निदेव को सम्मान करने के लिए भेंट किया जाता है और ये उसमें डाला जाता है, अग्निदेव प्रज्वलित करके, पहले अग्निदेव को प्रणाम करके उनको आह्वान कृपा करके पधारे और होलिका दहन करें और अपनी उपस्थिति से हमें पवित्र करें, ऐसा करके प्रार्थना करके उसके बाद ये भेंट जो बताया मैंने चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद जब पूरी तरह से अच्छे से पूरी तरह से जल जाए, पूरा भस्म हो जाए, मतलब पूरा कुछ भी बचे नहीं, तो उसके बाद जल छिड़क करके सूत से उसको बांध करके इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद फिर सब हर व्यक्ति उसमें से जो बिल्कुल फाइनल राख होता है उसको हर व्यक्ति अपने घर ले जाए, कोई रोगी है तो उसके ऊपर छिड़क दे, बिस्तर पे उसके ऊपर तो नेगेटिव क्यों छिड़केंगे, इसको एक बात ध्यान रखें, इतना पवित्र है ये, अग्निदेव की पवित्रता इसमें है, उनका सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि जब इसको लेकर जहां जहां डालेंगे वहां पवित्रता आ जाएगी। अगर आपको कोई घर नहीं बिक रहा है, पड़ा हुआ है, न किराया उठता है, न घर बिकता है, तो वहां जाकर के इसको छिड़क दें, पूरे कमरे में हर तरफ छिड़क दें, और मतलब ऐसा कर, ऐसा नहीं करके छिड़क कर उसको प्यार रख करके वापस आ रहे, तो लास्ट कमरे में जाए छिड़कते हुए बिखेरते हुए वापस निकलते जाए, निकलते जाओ, फाइनली लॉक करके बाहर आ जाए, तो इतनी पवित्रता आ जाएगी, उसमें कोई भूत प्रेत नेगेटिविटी तंत्र मंत्र ये सब नहीं रहेगा। आप नहाते इसमें अपने बाल्टी में डाल करके उसे नहा लें तो उसे आपके अंदर पवित्रता आ जाए, आपके ऊपर से नेगेटिविटी हट जाएगी, तो ऐसे करके घर को, परिवार को, सबको पवित्र कर दें, रोगी को निरोगी कर दें, इस तरह से कृपा हो जाएगी, ऐसे करके रख लें। और अगर धन की प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, आपके गले में पैसा टिकता है, किसी ने तोड़ने टोट के कर रखे हैं, तो एक पोटली में आप उसके राख बांध करके गले में रख दिए, तो गले के अंदर इतनी पवित्रता होगी कि धन आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, ऐसे करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी भगवान विष्णु की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का वास तो आपके घर में वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो फिर आप, क्योंकि अब एक चीज और है, क्योंकि कई चीजें नियम होते हैं, नियम के अनुसार जो है पूजा अर्चना की जाती है, क्या कुछ अर्पित करना है अग्नि देव को वो तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे अमित जी कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और होलिका की ये जो अग्नि है उस अग्नि को किन किन लोगों को नहीं देखना चाहिए। देखिए, ये अग्नि पवित्र है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले तो होलिका का दहन होता है, मतलब होलिका क्या, होलिका तो नेगेटिव है ना, होलिका जो प्रभु के भक्त को मारना चाहती है जी। वो है तो कोई अच्छी तो है नहीं, तो इसलिए क्या उनका जो संहार हो रहा है, उस संहार का ये बहुत विभत्स रूप है। अगर सचमुच में आपके सामने किसी स्त्री को जलाया जा रहा हो अग्नि में, तो चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो चाहे राक्षसी क्यों ना हो, तो उसमें तो आपको आनंद तो नहीं आएगा, आपको दुख होगा, तकलीफ होगा और बहुत जबरदस्त नेगेटिव फील होएगा जी। तो इसलिए ऐसे समय में नवविवाहिता को या छोटे बच्चों को या ऐसे रिश्ते में जहां पर पवित्रता करनी है, पूजा पाठ करना है, कुछ ऐसा करना है जिसमें कि आपको पॉजिटिव माइंड रखना है, या आप कोई ऐसा तप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उस स्थिति में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखने से क्या होता है, मन में एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ बुरे विचार आ सकते हैं, तो इस वजह से भय भी होता है कई बार, कि मन में चीता जैसी फीलिंग भी आती है, शुरुआत में तो चीता होती है, बाद में पवित्र हो जाती है, तो अग्निदेव की कृपा है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। नए नए शादी के जोड़े होते हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी हैं, इनको भी अवॉइड करना चाहिए, उसको देख के मन में बैठ गया चीता वाली बात, नेगेटिव बात बैठ गई, तो उसको क्या बच्चे के अंदर भी वो संस्कार आ जाते हैं, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। एक तरह से एक युद्ध में विजय होना है, तो युद्ध में विजय होना तो अच्छी बात होती है, लेकिन युद्ध देखना अच्छी बात नहीं होती है, समझ लीजिए। तो विजय के बाद जब झंडा फहरा करके सेलिब्रेट किया था वो तो ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध भी है और सेलिब्रेशन भी है, दोनों पार्ट है, तो इसलिए चूंकि युद्ध वाला पार्ट भी है, संहार वाला पार्ट भी है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, जैसे मन में जो कोमल विचार, शुभ विचार, आनंद वाला विचार चले वो प्रभावित ना हो जाए। अच्छा, तंत्र मंत्र के लिए ये जो दिन होते हैं बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं, ऐसे में अगर किसी के किसी पर अगर इस तरीके का जादू या कोई तंत्र विद्या की हुई हो, उससे छुटकारा पाना हो, क्योंकि काम रुक जाते हैं, घर में सब अशुभ होता है, तो इस दिन किस तरीके का अनुष्ठान किया जा सकता है? देखिए, इस समय पे क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति ने तंत्र कर रखा हो और कुछ ऐसे गड़बड़ हो रखा हो आपके ऊपर, तो वैसे स्थिति में आपको स्वयं जाना चाहिए, जो व्यक्ति प्रभावित तो उस व्यक्ति को जाना जरूर चाहिए, उसको पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहिए। पहले शुरुआत में नेगेटिविटी होगी, आपके अंदर भी नेगेटिविटी है, उनके अंदर भी नेगेटिविटी है, तो फिर क्या करें, आप अपने हाथों से भेंट चढ़ाएं, जैसे मैंने बताया ना भेंट चढ़ाने के लिए, तो आप अपने हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसे नहीं कि एक बार होलिका जल रही है तो एक व्यक्ति ही करके कंप्लीट कर देगा, हर व्यक्ति अपने अपने घर से वो सामग्री ला करके हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का भोग दे उनको, तो इसलिए अग्निदेव को आह्वान करेंगे, उसके बाद जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएंगे तो सब व्यक्ति अपना अपना भोग उसमें डालें,
तो जो व्यक्ति भोग डालता है तो उसे प्रार्थना करके डालें, और ये भी कर सकते हैं कि आप भोग देने के बाद अपने ऊपर से उतारा करके उसके अंदर डाल दें। इससे आप नारियल का उतारा कर सकते हैं या फिर लौंग का उतारा, बहुत सारे तरीके होते हैं उतारा करने के। आप जो भी आपके प्रदेश में आपके इलाके में जिस तरीके से उतारा करने की प्रक्रिया, क्योंकि लोकल लोकल हर जगह पर अलग, नजर उतारने की प्रक्रिया भी बहुत है, करीब 29 प्रक्रिया तो मुझे पता है। तो आप क्या है कि हर व्यक्ति लिंग सबसे सब में प्रभाव पड़ता है, सभी देवी देवता भी पावरफुल होते हैं, किसी इलाके में किसी की पूजा की जाती है, किसी इलाके में किसी की पूजा की जाती है। तो आप जो भी आपके मान्यता आपके परंपरा उसके हिसाब से उतारा करके उस अग्नि में डाल दें, तो उससे क्या होगा, जब उतारा करके उस अग्नि में डालेंगे तो उस अग्नि में डाल के भस्म ही हो जाएगी वो नेगेटिविटी, परमानेंटली तो समाप्त हो जाएगी। आपको करना क्या है, भूत प्रेत नेगेटिविटी को कैरी करके तो उनका भस्म हो जाना अच्छा है, तो उसको निकाल के उसमें डाल देंगे तो आपके ऊपर से तंत्र मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और बजा खुचा जो प्रभाव होता है ना, इससे कि कुछ प्रभाव रह जाता है शरीर के अंदर, उसको काटने के लिए अंत में राख ले जा करके पहले तो आप घोल करके पी सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रहे कि पीते समय खाने पीने की चीजों में ऐसा ना हो सड़क पर गिरी हुई थी राख, उसको उठाया और पता लगे फूड पॉइजनिंग हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो इसलिए बहुत पवित्र जो साफ सुथरी हो, जो टच नहीं करो, जो इनको बहुत अच्छी तरह से जली हो, तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह नहीं हो सकता, तो इसलिए उसको आप थोड़ा सा घोल के पी सकते हैं। बाकी से आप नहा सकते हैं और अपने आसपास भी जहां आप सोते हैं वहां पर भी आप छिड़कते हैं थोड़ा सा, और सोए कम से कम एक रात तो आप इस तरह से सोए ही, उससे क्या होगा नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं फटकता, उसको जाना पड़ेगा इतना पावरफुल। अगर सही तरीके से किया जाए तो इतना पावरफुल होता है कि सब नेगेटिविटी खत्म करने की क्षमता होता है। आज की डेट पे सिर्फ तमाशा हो रहा है, फंगस वाली गंदी लकड़ी, सड़ी हुई लकड़ी सब घर से ला करके वो डिस्ट्रॉय करते हैं, कूड़े की तरह से लाते हैं, वो कम्प्लीटली ठीक नहीं है, उससे फायदा नहीं नुकसान होता है, क्योंकि फंगस वाली लकड़ियां जो मॉइस्चर होता है उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो वायरस वगैरह उड़ते हैं और धुआं में उड़ करके पूरी जगह पे जाके इन्फेक्शन फैल जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं और जानना चाहूंगी, समय बेहद कम है हमारे पास, अब बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि होलिका, होली से पहले जो 8 दिन होते हैं वो होलाष्टक होते हैं और उसमें कोई शुभ काम नहीं होते। अब ऐसे में कोई शुभ काम करना हो, गृह प्रवेश करना हो या अपने घर में जा रहे हो या किसी की शादी ब्याह हो, तो ऐसे में ये नया काम शुरुआत हम कर सकते हैं क्या होलाष्टक के बाद? देखिए होलाष्टक का जो 8 दिन होता है ना, पहला 8 दिन होता है होली के पहले का, वो ठीक नहीं होता है, अशुभ माना जाता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो जनेऊ संस्कार हो, चाहे उस विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे उद्घाटन करना हो, किसी चीज की शुरुआत करनी हो, शुभारंभ करना हो, कोई भी कार्य शुभ कार्य नहीं किया था, क्योंकि इसमें बहुत नेगेटिविटी, इतना नेगेटिव समय था कि इस समय पर इस नेगेटिविटी की वजह से प्रहलाद को कष्ट देना 8 दिन तक बहुत जबरदस्त हुआ था। तो क्यों प्रहलाद को कष्ट दिया जा सका, इसलिए दिया जा सका क्योंकि वो नेगेटिव टाइम था, नेगेटिव टाइम में आप नेगेटिव काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पॉजिटिव टाइम में पॉजिटिव काम अच्छा कर सकते हैं। तो इतना नेगेटिव था कि नेगेटिव काम कर पाना, प्रहलाद को कष्ट दे पाना संभव हो पाया था, तो मतलब प्रहलाद को भी कष्ट हुआ था। तो आप तो प्रहलाद इतने पवित्र नहीं है ना, तो प्रहलाद देव हो गए, आप तो मनुष्य है, तो आपको तो और आसानी से कष्ट मिल सकता है। तो आप नेगेटिव समय में आप शुभ कार्य क्यों करते हैं, तो अवॉइड करें। अब होता है कि नेगेटिविटी खत्म कब होती है, जब होलिका दहन हो जाता है उसके बाद नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। होलिका दहन के बाद से आप शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं होली जलने के बाद तो अगले दिन आप सेलिब्रेट करते हैं, वो दिन शुभ दिन होता है, और सेलिब्रेट इसलिए भी होता है कि आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो गई और आपका नेगेटिव समय भी चला गया है, अब आप खुशियां मनाएं, पॉजिटिव होकर के जो करना है करें अच्छे तरीके से, बस मुहूर्त देख लें, क्योंकि हर चीज का अलग मुहूर्त है, मकान खरीदने का अलग मुहूर्त होता है, वाहन खरीदने का अलग मुहूर्त, वाहन चलना चाहिए, मकान चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गिर जाएगा, मकान स्थिर होना चाहिए, गाड़ी स्थिर रहेगी तो आप जाएंगे कैसे, तो इसीलिए सबका अलग अलग चलायमान हुआ तो स्थिर हुआ, तरह तरह के मुहूर्त होते हैं, तो उस मुहूर्त जिस चीज की आवश्यकता है जो काम की उसके हिसाब से मुहूर्त देख करके ही करें तो अच्छा रहेगा, बाकी दिन तो शुभ हो जाए। बिल्कुल, और इसलिए कहा जाता है कि खुशियों और रंगों का त्योहार होता है होली, लेकिन होलिका दहन में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है जिससे आपके घर में धन धान्य जो है उससे आप संपन्न रहे, वो आपने जाना। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां होलिका दहन को लेकर दी, आपको होली की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, और विशेष ध्यान रखें कि होली पर प्राकृतिक रंग का प्रयोग करें ताकि किसी को स्किन में भी तकलीफ ना हो और एंजॉय कर पाए, हर व्यक्ति एंजॉय करे, खुशियां मना पाए। बिल्कुल, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने जाना कि होलिका दहन का महत्व भी, और होली का ये रंगों का खुशियों का त्योहार आप सभी के लिए ऐसा ही बना रहे, हमेशा आपके जीवन में खुशियां लाए, यही हम कामना करते हैं इस खास पेशकश में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ, नमस्कार।